turn one side, stop, front, stop, other side, stop, front, stop. ओके नाउ द सर्जरी डन, हम लोग देखेंगे यहाँ पे. सो ये बंदा अंदर दिखाओ, दिस इज ऑल खाली, दिस इज ऑल खाली. सो ग्लैंड एंड फैट कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम बोथ द साइड, दिस इज ऑल्सो खाली, नथिंग खाली. सो अभी हम लोग देखेंगे. सो नाउ पेशेंट का बिफोर सर्जरी कंसर्न था ये तो रिड्यूस करना है, साइड रोल्स भी बहुत बड़े बड़े थे वो भी रिड्यूस करना है, यहाँ से रिड्यूस करना है. एंड देन ये वाला पार्ट में ये भी सर रिड्यूस हो सकता है, तो आंसर है कि ये रिड्यूस इसलिए नहीं हुआ जाता क्योंकि ये वाले पार्ट में बोन है नीचे और यहाँ से परफोरेटर्स आते हैं जो कि स्किन को ब्लड सप्लाई करते हैं. सो हम लोग यहाँ पे बहुत ज़्यादा अल्ट्रा थिनिंग नहीं कर सकते थे वरना स्किन ब्लैकनिंग के चांसेस होते हैं. सो ये पूरा फ्लैट हो गया है एंड सर्जरी डन. ओके बिफोर सर्जरी मैसिव गायनेकोमास्टिया एंड दिस इज नाउ. अच्छा ये दीज आर टेम्पररी. हम लोग ग्लैंड एंड फैट पे अगर पुराने पेशेंट देखेंगे तो उसमें पता लगता है ये 4-5 दिन में ही चल जाते हैं, तो इसलिए टेंशन नहीं लेना. बिफोर एंड नाउ टर्न वन साइड प्लीज, साइड व्यू में देखेंगे बिफोर मैसिव गायनेकोमास्टिया एंड दिस इज नाउ. सो बिफोर देयर वाज ह्यूज प्रोजेक्शन साइड रोल्स एंड दिस इज नाउ. सो यहाँ से एंटीर एक्सिलरी लाइन आती है, सो चेस्ट का पोर्शन जितना भी फ्रंट में पूरा फ्लैट हो गया है, दिस इज एब्सोल्युटली नाइस कर्व. चलो अदर साइड प्लीज, अदर साइड बिफोर एंड नाउ मैसिव. फ्रंट में आ जाओ, फ्रंट में आ जाओ. पेशेंट को बहुत सारा ग्लैंड एंड फैट निकला है एंड इंसिन इज वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी स्मॉल. हाथों पर करेंगे एक बार, वेरी वेरी स्मॉल, वेरी वेरी, दिखाई भी नहीं पड़ता, वेरी वेरी स्मॉल. सो स्किन बहुत ज़्यादा लूज नहीं है, स्किन टाइट हो जाएगा, ध्यान ही रखना है, कंप्रेशन मेंटेन रखना है. और ये डेफिनेटली एब्सोल्युटली नॉर्मल 4-5 डेज में ये जो स्टेनिंग होती है क्योंकि यहाँ पे कंप्रेशन मेंटेन नहीं हो पाता इसलिए स्टेनिंग बनती है, बाकी पार्ट में कंप्रेशन मेंटेन था स्टेनिंग नहीं बनी. सो कंप्रेशन आगे भी मेंटेन रखना है, रिजल्ट विल बी ऑन ग्लैंड्स एंड फैट इंचा करने का. अच्छा कुछ पेशेंट ना पूछते हैं सर स्टेनिंग का क्या है, स्टेनिंग रहती है क्या वो टेम्पररी है, तो यहाँ पे उसके स्टेनिंग के लिए मैं पेशेंट दिखाता हूँ आपको समझा. जैसे ये पेशेंट है, सो बिफोर सर्जरी, ये नेक्स्ट डे, नेक्स्ट डे में स्टेनिंग रहती है एंड देन दिस इज 5th डे पे. सो कंपेयर करो इससे और इससे, आपको समझ में आ जाएगा. ऐसे ही बिफोर, नेक्स्ट डे एंड देन दिस इज 5th डे पे. और ये पूरा पेशेंट का फॉलोअप देखना है कि ये 3 वीक के बाद में कैसा था, तो यहाँ पे आप इस पेशेंट का पूरा वीडियो देख सकते हैं, 8th अगस्त का वीडियो है, पूरा देख सकते हो. आपको स्टेनिंग के बारे में आइडिया हो जाएगा, जिन भी पेशेंट को स्टेनिंग होती है उसके बारे में. ओके पेशेंट के फॉलोअप रिजल्ट ना, ये इंस्टाग्राम अकाउंट है ग्लैंड्स एंड फैट, जब आप इंस्टाग्राम पे सर्च करेंगे ग्लैंड्स एंड फैट तो ये अकाउंट आ जाएगा. सो यहाँ पे पेशेंट के फॉलोअप रिजल्ट्स होंगे, फॉलोअप मतलब फ्रेश रिजल्ट प्लस फॉलोअप रिजल्ट. सो यहाँ पे आप पिन पोस्ट है, जैसे कि 1 मंथ बाद का रिजल्ट है, 1 मंथ बाद कैसा दिखता है चेस्ट, देन 6 मंथ बाद, 1 ईयर बाद, फिर यहाँ पे आफ्टर 1 मंथ रिजल्ट है सारे. सो अगर मैं इसको क्लिक करूँगा और मुझे कोई पर्टिकुलर पेशेंट का रिजल्ट देखना है, सो सपोज मैंने ये देखा, सो मैंने इसको रील को क्लिक करा तो देख लिया, राइट. दूसरा पेशेंट देखना है तो उस रील को क्लिक करो, यहाँ पे देख लिया, तो 1 मंथ के रिजल्ट हैं. फिर यहाँ पे जिम करने के बाद पेशेंट ये इंसिन कितना स्मॉल होता है वो वाला यहाँ पे आप देख सकते हो, उसको क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद में फिर हम लोग इसको पूरी रील को देख सकते हैं, राइट. फिर मैं बैक गया, फिर यहाँ पे इसको क्लिक करके इस रील को देख लिया, फिर मैं गया इस रील को देख लिया, फिर इसको देख लिया, ये इंस्ट्रक्शंस होते हैं, राइट. सो ये देख लूंगा, फिर आफ्टर वर्कआउट कैसा दिखेगा ये यहाँ पर, इस रील को मैंने क्लिक करा और फिर यहाँ पे ये देखा, ये बिफोर पेशेंट का था, राइट. फिर आफ्टर वर्कआउट कैसा दिखेगा, सो इस पेशेंट को देखना, इस पेशेंट का क्लिक करा और यहाँ देख लिया. यहाँ नीचे जाऊँगा मैं तो यहाँ पे इनकी डेट भी डली होती है कि सर्जरी कब करी थी, हम लोग वहाँ पे जा सकते हैं. सो पूरी चीज़ ना ग्लैंड्स एंड फ्रेंड इंस्टाग्राम अकाउंट पे मिल जाएगी. सो यहाँ पे ये आफ्टर वर्कआउट पेशेंट के क्वेश्चंस क्या होते हैं वो सारे कॉन्टेक्ट करने के लिए यहाँ पे आप मैसेज करके कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं. सो दिस इज रिगार्डिंग गायनेकोमास्टिया. यहाँ पर मल्टीपल पेशेंट्स सारे पेशेंट देखने हैं. और मैं प्रेफर करूंगा जिन पेशेंट की सर्जरी हो गई है वो भी डेली 10 पुराने पेशेंट देखेंगे, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ ऐसे इंस्ट्रक्शन मिलते हैं जो कि शायद आप में एक दो इंस्ट्रक्शन नहीं दे पाया, तो उनके अंदर आप देख लोगे. सो वो इंस्ट्रक्शन सारे पेशेंट्स पे अप्लाई होते हैं. अच्छा पेशेंट पूछते हैं सर स्टेनिंग का क्या है, जो स्टेनिंग आती है, स्टेनिंग ये टेम्प्रेरी होती है, आप फॉलोअप में देखोगे तो स्टेनिंग गायब हो जाती है, राइट. स्टेनिंग का भी एक क्वेश्चन होता है, सो वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं.